वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज मैं 46 साइज की कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, जिसके हिप फ्रेंड्स थोड़े हैवी हैं, 53 हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कटिंग की। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कटिंग करनी है। कपड़े को नाप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले हिप के या चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा लेते हैं। हिप अगर हैवी है तो हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा सेट करते हैं, और चेस्ट हैवी है तो चेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरी हिप हैवी है, जैसे कि बताया 53 है, तो 53 को हमने 4 से डिवाइड किया तो फ्रेंड्स 13 1/4 आ गया, और 1/2 इंची लूजिंग के लिए, और 1 इंची ये देखिए फुल मार्किंग आई है। तो इतना हमारा कपड़ा आ गया मेजर के अनुसार। अब ये जितना भी है ये मैं कट कर लूंगी और पूरे कपड़े को सेट कर लूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए कर लेते हैं। हमारा 53 का जो हिप का है उसका हमने 4 भाग किया, और 4 भाग किया तो 1/4 आ गया ये देखिए, और उसके बाद हमने 1/2 इंची लूजिंग के लिए रखा और 1 इंची कपड़े के लिए रख लिया, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा कपड़ा सेट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम मार्किंग करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए लेंथ जो है वो हमारी, ये देखिए फ्रेंड्स लेंथ 40 है ये देखिए, और 40 में मैंने 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है ये देखिए, क्योंकि ये मुझे स्टिचिंग वाला बनाना है। स्टिचिंग वाला करना है फ्रेंड्स तो हम 1.5 इंची लेंगे। अगर हमें हाथ सिलाई या तुरपाई वाला बनाना है तो 2 या 2.5 इंची लेंगे, क्योंकि वो फोल्ड करना होता है। तो ये देखिए अब हम इसके आर्म शोल्डर लेंगे। शोल्डर फ्रेंड्स हमारे ये देखिए 14 है, तो 14 का हमने 1/2 किया तो 7 आ गया, इधर से हम 6 1/2 लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स, और इधर से जो चेस्ट का 4 भाग करेंगे तो मेरे 46 है, 46 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 11 1/2 आता है ये देखिए, और 1/2 इंची एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने इसका चौथा भाग किया है, तो 46 का हमने चौथा भाग किया, 4 से भाग किया तो 11 1/2 आता है, और उसके बाद इसको हम मिला लेंगे। देखिए 1/2 इंची की लूजिंग दी है, इसी की मार्किंग है। बॉडी के हिसाब से अगर हम मेजर करेंगे तो हमें 1/2 इंची की लूजिंग देनी है। कपड़े से मार्किंग करें तो कोई लूजिंग की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। ये देखिए 6.5 को हमने 1/2 किया तो 3 1/4 आता है ये देखिए, 1/2 इंची पीछे की तरफ लेनी है। ये हमारी गोलाई की मार्किंग है फ्रेंड्स, ये देखिए इधर से कमर की जो लेंथ है 14 है, और इधर से हिप की जो लेंथ है वो हमारी 21 है। इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे कमर की और हिप की, ये देखिए अब हम कमर का मेजर करेंगे। 44 है, 44 को 4 से डिवाइड किया 11 आता है। 44 है फ्रेंड्स, 44 को 4 से भाग किया तो 11 आता है, और 1/2 इंची हम लूजिंग के लिए रखेंगे। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो हिप हमारे 56 है, 56 को 4 से डिवाइड किया तो 13 1/4 आता है, 1/2 इंची लूजिंग के लिए रखेंगे ये देखिए, और 1 इंची हम रखेंगे फोल्डिंग के लिए। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए जो हमने फिटिंग की ली है वो नहीं लेनी है, ये जो हमने 1/2 इंची लूजिंग रखा है उसी को ही मार्क करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से करेंगे इस टाइप से,
अब हम इसके अंदर जो कटिंग की है, आप डेढ़ रखना चाहें डेढ़ रख सकते हैं, टू रखना चाहें टू रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जितना आपको कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए उतना रख सकते हैं। मुझे टू चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स कॉटन है, श्रिंक भी हो सकता है और थोड़ा बहुत हम हेल्दी भी हो सकते हैं, तो हम इसको खोल के लूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हमें जितना हमारा टोटल इधर कितना है उतना ही हमें नीचे लेना है, तो 14.5 है, तो इधर भी हम 14.5 रखेंगे। ये देखिए, अब दोनों को हम मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों लाइन को, ये हमारी कटिंग की लाइन है और ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है। फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग की लाइन है और ये हमारी फोल्डिंग की लाइन है। अब जो ये गोलाई की है, ये हमारी बैक साइड की है और ये हमारी फ्रंट साइड की है। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट का पीस कट करेंगे, जो हमारे बैक साइड का पल्ला है। फ्रेंड्स अब हम ये कट के मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमको फोल्ड करने में इजी रहता है, इधर भी लगाएंगे, स्टिच करने में लगाने से इजी रहता है, इधर भी लगाएंगे। ये हमें इतना मार्क फोल्ड करना है। ये देखिए, और अब दोनों पल्ले अलग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट की गोलाई कट करेंगे। ये देखिए, और अब हम स्लीव्स कट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लेंथ स्लीव्स की लेंथ है 7 है, 1 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, और फ्रेंड्स कपड़ा हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। 46 है तो 46 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये देखिए हमारा 11.5 आ गया। 1 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंची हम कम रखेंगे। ये देखिए, इसको और इसको हम हिला लेंगे, और इधर से हम 3 इंची लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको भी मिला लेंगे। इधर से हम क्रॉस में लेंगे फ्रेंड्स, और इसका हम हाफ करेंगे, और ये हम गोलाई कर देंगे। ये देखिए स्लीव्स की गोलाई, इधर हम मोरी रखेंगे फ्रेंड्स, 7 हमारी मोरी है। ये देखिए, और 2 इंची हम कटिंग के लिए रखेंगे। दोनों को मिला लेंगे। ये कटिंग की लाइन है और ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है। इसको हम इस टाइप से करेंगे और अब हम कटिंग कर देंगे। हम गोलाई करेंगे फ्रंट की। ये देखिए इस टाइप से, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स, फ्रंट की और बैक की। ये देखिए, आज मैंने 46 साइज की कुर्ती की कटिंग की है और 53 साइज उसके हिप हैं, थोड़ा सा इनबैलेंस नाप है फ्रेंड्स, तो उसकी कटिंग की है। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स,
और फैमिली मेंबर में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।